आपका क्वेश्चन है, द सम ऑफ द फोर टर्म्स इन एपी इज 50, इन विच ग्रेटेस्ट नंबर इज फोर टाइम द लीस्ट नंबर और लीस्ट टर्म, फाइंड द टर्म्स। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, थ्री टर्म्स का, ये आपका क्या है, फोर्थ टर्म का। ठीक है, नाउ तो फोर्थ टर्म हम उस तरह से नहीं लेंगे जैसे हमने थर्ड टर्म लिया था, तो इसके अंदर हम क्या लेंगे, देखो ए प्लस डी और यहां पर होगा ए माइनस डी। ठीक है, नाउ यहां पर क्या होगा, ए प्लस थ्री डी और यहां पर होगा हमारा ए माइनस थ्री डी। नाउ डिफरेंस इज सेम, आप माइनस करके देखें एक दूसरे के साथ, डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट नाउ, लेकिन लास्ट टाइम के थर्ड टर्म के हिसाब से करोगे तो ये गलत आ जाएगा। ठीक है, नाउ तो अब देखो इसने क्या कहा है, सम, तो दैट मीन्स वी हैव टू ऐड ऑल गिव्स यू 50। तो हमारा क्या है, देखो ए माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी दैट इज इक्वल टू 50। अब देखो माइनस थ्री डी एंड प्लस थ्री डी कैंसल्ड, माइनस डी प्लस डी कैंसल्ड, तो क्या हो गया आपका, फोर ए इज इक्वल टू 50, तो ए इज इक्वल टू 50/4 कितना हो गया, देखो 2 से कट करो, 25/2 इज योर ए। ठीक है, नाउ फिर देखो इसने क्या कहा है, इन विच ग्रेटेस्ट नंबर इज फोर टाइम द लीस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या है, देखो ए प्लस थ्री डी, तो हम वही लिखेंगे ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू फोर टाइम्स द लीस्ट नंबर, लीस्ट इज दिस साइड, तो ए माइनस थ्री डी, इसको सॉल्व करो, तो ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू फोर ए माइनस 12 डी। ए को एक साइड में लेकर आ जाओ, डी को एक साइड में लेकर आ जाओ, तो आपका आ जाएगा 12D प्लस 3D दैट इज इक्वल टू 4A माइनस ए, तो ये आ गया आपका 15D इज इक्वल टू 3A। ठीक है, नाउ अब आप देखो A हमारा क्या है, 25/2, सेम चीज वी विल पुट हियर, तो आपका देखो क्या आएगा, 15D इज इक्वल टू 3 × 25/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा 30D इज इक्वल टू 75, तो D इज इक्वल टू 75/30। ठीक है, नाउ 3 से कट करो तो आपका आ गया 25/10, 5 से कट करो यू विल गेट 5/2, तो D इज 5/2। नाउ अब आपको यह बताना है एपी, तो देखो एपी क्या है हमारा, एपी ए माइनस थ्री डी, तो ए इज, अब देखो आपका एपी कैसे बनेगा ये फिर से देखो, तो ए क्या है, देखो फर्स्ट इज ए माइनस थ्री डी, तो ए माइनस थ्री डी दैट इज इक्वल टू ए इज 25/2 माइनस 3 × D इज 5/2, तो अब आपका क्या आ गया, देखो 25/2 माइनस 3 × 5 इज 15, 15/2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 25 − 15 इज 10, 10/2 दैट इज इक्वल टू 5, तो फर्स्ट वन दिस वन इज योर 5। ठीक है, नाउ यहां पर देखो ए माइनस डी, तो ए माइनस डी आपका क्या होगा, ए माइनस डी दैट इज इक्वल टू ए इज 25/2 माइनस 5/2 दैट इज इक्वल टू कितना हो रहा है, देखो 20/2
दैट इज इक्वल टू 10। तो सेकंड वाला हमारा 10 हो गया, ठीक है। नाउ ए प्लस डी, तो ए प्लस डी हमारा क्या होगा, देखो 25 बाई टू प्लस 5 बाई टू दैट इज इक्वल टू 30 बाई टू इज 15। तो ये आपका आ गया 15। तो देखो क्या आ रहा है, 5 10 15, तो ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको इस तरह से करना है।